गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम झिम से कक्षा 4 के लिए पाठ 12 करवा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुनीता की पहिया कुर्सी। तो नाम से ही आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी बात कि कोई सुनीता है जिसका पहिया कुर्सी से कोई रिश्ता है, नाम से ही पता चल गया। तो हम और कहानी को आपको कराएंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले सुनीता की पहिया कुर्सी है, तो सुनीता कौन है इसी के बारे में जान लेते हैं। तो सुनीता एक ऐसी बच्ची है जिसके पैर काम नहीं करते। आपने कई बार देखा होगा ना, अगर हम पोलियो की खुराक समय से नहीं दें तो बच्चे के पैर या हाथ काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही जो सुनीता है उसके पैर काम नहीं करते हैं और वो बचपन से ही पहिया कुर्सी का प्रयोग करती आई है। पहिया कुर्सी व्हील चेयर जिसको आप बोलते हो, जिस पे दो पहिए लगे होते हैं, वैसे तो वो चेयर ही है पर उसकी जो पांव होते हैं वो पांव नहीं होते हैं बल्कि उसमें दो पहिए लगे होते हैं और वो हाथ से चलानी होती है। आपने हॉस्पिटल्स में भी काफी बार देखी होंगी वो। तो बचपन से ही उसके लिए वो कुर्सी ला रखी है और वो उसकी मित्र है, उसको उसके साथ ही खुशी मिलती है। तो जैसे ही कहानी आगे चलती है आपको पता चलेगा। तो इसमें मेन तो है सुनीता और पहिया कुर्सी। तो कहानी कैसे शुरू होती है, जो सुनीता की माँ है वो उसे जगाती है सुबह, छुट्टी का दिन है, और वो क्या कहती है कि सुनीता तुम भूल गई हो कि आज तुम्हें बाजार जाना है। तो वो पहला दिन था जब सुनीता अकेली बाजार जाएगी। अब आप देख रहे हो कि मैं एक तरफ तो कह रही हूँ उसके पैर काम नहीं करते, दूसरी तरफ कह रही है वो अकेले बाजार जाएगी, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि वो अपने पहिया कुर्सी के साथ खुश है और अपनी पहिया कुर्सी के साथ ही हर जगह चली जाती है, इवन वो घर में भी पहिया कुर्सी के साथ ही काम करती है। तो जैसे ही उसकी माँ उसे उठाकर चली जाती है तो वो नाश्ता तैयार करके टेबल पे लगा देती है, और जैसे ही वो नाश्ता करती है तो वो अचार मांगती है अपनी माँ से कि माँ अचार की बरनी कहाँ है। तो माँ ने क्या कहा, अलमीरा में रखी है, तुम ले लो। तो वो माँ से मांगने की बजाय खुद ही जाके अचार ले लेती है। तो आप देख रहे हो कि कहानी में वो सारे अपने काम स्वयं कर लेती है, जैसे सुबह उठती है तो अपनी चादर ठीक कर देती है या अचार की बरनी ले लेती है, खाना खुद से खा लेती है, अपने छोटी मोटी चीजों को अपने कमरे को ठीक वो रखती है। तो उसको बचपन से ही आदत है। आपने देखा होगा ना, जो बचपन से ही अंधा है तो उसे कलर से कुछ लेना देना नहीं होता क्योंकि उसने कलर कभी देखे ही नहीं है। जब उसने कलर कभी देखे ही नहीं है तो प्यार किससे करेगा। अब हमारे पास अगर बहुत सारे कलर की ड्रेसेस नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं कि नहीं ये कलर तो मैंने बार बार पहन लिया, ये भी पहन लिया, वो भी पहन लिया, तो हम उत्सुक रहते हैं, जब भी दुकान पर जाएंगे नई ड्रेस लेंगे। लेकिन जिसने देखे ही नहीं है कलर वो क्या नई ड्रेस लेगा, उसको तो जो पहना दो वो अच्छा। तो उसने तो बचपन से ही पहिया कुर्सी देखी है, तो पैरों से कैसा चला जाता है, पैरों से मिलने से क्या खुशी मिलती है उसको नहीं पता क्योंकि बचपन से ही वो पहिया कुर्सी पे रही है। तो जैसे ही वो बाजार के लिए तैयार होती है तो माँ से पूछती है कि माँ बताओ बाजार से क्या लेके आना है। तो माँ ने कहा कि तुम चली जाओगी पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सुनीता ने कहा नहीं पक्का, मुझ पे विश्वास नहीं है क्या आपको। माँ कहते नहीं बिल्कुल है। तो वो कहते चलो 1 किलो चीनी बाजार से लेके आनी है। तो जैसे ही वो पहली बार बाजार के लिए निकलती है बड़ी अपने आप को अच्छा महसूस करती है, और जैसे ही वो जाती है तो छुट्टी का दिन है। आपको पता है मैंने कहानी के शुरू में बताया कि छुट्टी वाला दिन है तो बहुत सारे बच्चे रस्ते में खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन बच्चों में खेलते उसने क्या देखा कि एक बच्चा है जिसका कद काफी छोटा है, तो सभी बच्चे उसे छोटू 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 कह के बुला रहे हैं और चिढ़ा रहे हैं। तो ये बात किसको अच्छी नहीं लगी, नापसंद आई। किसको नापसंद आई, सुनीता को नापसंद आई, क्योंकि सारे बच्चे इसको छोटू क्यों कह रहे हैं, इसका कुछ तो नाम होगा। लेकिन उसका नाम क्या था, अमित नाम था। तो अमित नाम का बच्चा था जो कि कद में छोटा था, उसे सब छोटू कह रहे थे, लेकिन बुरा किसे लगा, सुनीता को बुरा लगा, और वो उन्हें देखते हुए वहां से चली गई, उसने कहा कुछ भी नहीं। उसके बाद में क्या हुआ कि एक फरीदा नाम की लड़की आई और उसने सुनीता से आके पूछा यह तुम्हारे पास अजीब सी चीज क्या है। वो किसके बारे में बोल रही थी, वेरी गुड, उस पहिया कुर्सी के बारे में बोल रही थी जिस पर सुनीता जा रही थी। लेकिन जैसे ही फरीदा ने ये सवाल उससे किया तो उसकी माँ आके उसे डांटने लगी। किसकी माँ, फरीदा की माँ, कि नहीं ऐसे किसी से नहीं पूछते हैं, ठीक है। और बगैर ही कुछ कहे सुनीता ने कुछ कहा भी नहीं और वो वहां से चली गई। तो ये बात भी सुनीता को बहुत बुरी लगी
तो देखो छोटू छोटू कहना भी उसको बुरा लगा, फिर उसने फरीदा की माँ ने उसे डांटा, उससे बात नहीं करने दी तो भी उसको बुरा लगा। उसके बाद कोई बात नहीं, वो जिस दुकान से दुकान पे चीनी लेने जा रही थी उस दुकान पे वो चली गई। दुकान की जो पैड़ियाँ थी वो थोड़ी सी ऊंची थी, मतलब जमीन से इतनी ऊंची थी तो वहाँ पहिया कुर्सी तो चढ़ नहीं सकती। तो जैसे ही एक बच्चा आया उसने देखा कि अरे ये तो वही लड़का है जिसे सब छोटू छोटू बुला रहे थे। लड़के ने कहा मेरा नाम अमित है, ठीक है। तो सुनीता ने कहा कि हाँ मेरा नाम भी सुनीता है। तो अमित ने कहा क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। सुनीता ने कहा कि हाँ मेरी कुर्सी है उसका पिछला पैडल थोड़ा सा ऊपर करोगे तो मेरी कुर्सी ऊपर हो जाएगी और मैं आराम से अंदर जा सकती हूँ। तो अमित ने ऐसा ही किया और सीढ़ियाँ चढ़ने में उसकी मदद की। सीढ़ियाँ क्या, थोड़े से फर्श में जो लेवल आ गया है उसको इक्वल करने में उसकी मदद की, और वो उसके साथ ही उसके चीनी खरीदने में उसकी मदद करने लगा। तो जैसे ही सुनीता ने दुकानदार से कहा कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, तो दुकानदार ने उसके हाथों में चीनी ना देकर वो हाथ कर रही थी कि मुझे हाथ में दे दो, लेकिन दुकानदार को उस पर तरस आ गया और उसने क्या किया, उसकी गोदी में चीनी रख दी, जैसे वो कुर्सी में बैठी थी और उसके घुटनों पे चीनी रख दी। ये बात सुनीता को बहुत बुरी लगी और सुनीता ने क्या कहा, मैं भी औरों की तरह अपने काम सारे खुद कर सकती हूँ, मैं कोई सबसे अलग नहीं हूँ। तो उसको ये बात भी बुरी लगी। तो आप देख रहे हो कहानी में कितनी बातें उसको बुरी लग रही है। फिर वो बाहर आ जाते हैं तो अमित क्या समझाता है उसे कि अमित को सुनीता कहती है क्या मैं और बच्चों जैसी नहीं हूँ, क्या मैं और बच्चों जैसी ही तो हूँ, हम उनसे अलग थोड़ी ना है। तो अमित जो कि समझदार लड़का था, अमित ने क्या कहा, नहीं हम दोनों ही अलग हैं। तो सुनीता ने कहा क्यों, मैं अपने सारे काम सुबह से लेकर शाम तक खुद ही करती हूँ तो फिर हम में अलग कैसे हुई। तो फिर से अमित ने कहा नहीं हम दोनों ही अलग हैं, मैं और बच्चों जितना लंबा नहीं हूँ, मेरा कद छोटा है तो मैं औरों से अलग हूँ। तुम औरों की तरह भाग दौड़ नहीं सकती हो, पहिया कुर्सी पे चलती हो, तो तुम भी अलग हो, तो हम दोनों ही औरों से अलग हैं। कुछ देर के लिए तो सुनीता सोचती रही लेकिन बाद में वो इस चीज़ को भूल गई। दोबारा से जब वो बाजार से वापस आ रहे थे तो वही लड़की फरीदा जिसकी माँ ने उसे डांटा था वो दोबारा से आ गई और सुनीता से बात करने लगी। इस बार ना उसकी माँ ने उसे डांटा और ना ही सुनीता को बुरा लगा। तो ऐसे ही अमित और सुनीता हंसते खेलते अपने घर की तरफ चले गए बेटा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें भगवान की प्रत्येक रचना का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक रचना यानी कि जो अमित था जो छोटे कद का था उसको भी हमें सम्मान की नजर से देखना चाहिए, और जो सुनीता थी जो कि एक छोटी बच्ची थी जिसके पैर खराब थे उसको भी हमें सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। क्योंकि अमित छोटा रह गया है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सुनीता के पैर खराब है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो जिस भी मनुष्य को अपने आसपास जिस भी जीव को आप ये देखो कि ये हमसे थोड़ा अलग है तो उसे ये जताओ मत कि आप हमसे अलग हो, बल्कि उसकी हर काम में मदद करो। उस पर तरस मत खाओ बल्कि उससे मित्रता करो। तरस खाना अच्छी बात नहीं है, उससे मित्रता करनी अच्छी बात है। उनको ये दिखाओ कि अगर आपका कोई पार्ट कोई अंग कम है तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। उससे दिल का रिश्ता जोड़ो ना कि दया का, ठीक है बेटे। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यहीं पर अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। सुनीता ये इसी का अर्थ है जिसके पैर काम नहीं करते हैं। फिर पहिया कुर्सी, पहियों पर चलने वाली कुर्सी, ठीक है। फिर बाजार जहां पर सारा सामान मिलता है, छोटू यानी जिसका कद छोटा है, सीढ़ियां चढ़ने के लिए जगह, मदद यानी सहायता, चीज यानी वस्तु, अजीब सी यानी अनोखी सी, फरीदा एक छोटी बच्ची, दुकानदार सामान बेचने वाला, गोदी यानी घुटनों के बैठने के बाद घुटनों वाली जगह, और थैली यानी कि जिसमें सामान रखा जाता है, अलग भिन्न भिन्न होता है, अमित एक छोटा बच्चा जिसका कद छोटा है, शिक्षा सीख, भगवान ईश्वर प्रभु परमात्मा जो भी कहो, रचना यानी कि कारीगरी, भगवान जिसे बनाता वो रचना ही है उसकी, प्रत्येक यानी हर एक, सम्मान यानी मान इज्जत, पानी, पानी मैंने आपको बताया था पर्यायवाची शब्द में, इज्जत को हम पानी भी बोलते हैं, पानी को हम सम्मान भी बोलते हैं। तो ये तो हो गए इसके शब्दार्थ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न,
इस कहानी में किसके चारों तरफ कहानी घूमती है? तो उत्तर होगा सुनीता। दूसरा प्रश्न, सुनीता के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर होगा, सुनीता एक छोटी बच्ची है जिसके पैर काम नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न, सुनीता को माँ ने बाजार से क्या लाने के लिए कहा? सुनीता को माँ ने बाजार से 1 किलो चीनी लाने के लिए कहा। चौथा प्रश्न, अमित कौन था? अमित एक छोटे कद का बच्चा था। पांचवा प्रश्न, फरीदा को माँ ने क्यों डांटा? फरीदा को माँ ने इसलिए डांटा क्योंकि वह सुनीता को उसकी पहिया कुर्सी के बारे में पूछ रही थी। छठा प्रश्न, दुकानदार ने क्या हरकत की? दुकानदार ने 1 किलो चीनी की थैली सुनीता की गोद में रख दी। सातवां प्रश्न, अमित ने सुनीता को कैसे समझाया? अमित ने कहा कि मेरा छोटा कद है और तुम्हारे पैर कार्य नहीं करते हैं, इसलिए हम दोनों ही सबसे अलग हैं। आठवां प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की प्रत्येक रचना का सम्मान करना चाहिए। तो देखा बेटे आपने कि आपने जो ये कहानी देखी है, सुनी है, पढ़ी है, ये कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी शिक्षा इसने आपको दी है कि हमें सबके साथ दिल का रिश्ता रखना चाहिए, तरस खाने का रिश्ता नहीं, ताकि सामने वाले जीव को फील ना हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसका वाचन और उच्चारण आप स्वयं करेंगे और इसके अभ्यास को अपने आप करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।